वेलकम बैक टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम साइड स्लिट कुर्ती जो है किस तरीके से उसकी कटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं। बहुत बार कमेंट आया है कि आप सेंटर स्लिट या साइड स्लिट कुर्ती जो है उसका ट्यूटोरियल दीजिए, तो वही उसका ट्यूटोरियल है आज। उसमें परफेक्ट तरीके से कैसे कुर्ती को कट किया जाता है और स्टिच किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें आपको जो ध्यान देने वाली होती है, सबसे ज़्यादा हमें फोकस किस चीज़ पर रहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी कुर्ती कट कर रहे हो उसमें, जब भी आप किसी भी कुर्ती को कट करते हो, स्पेशली जब आप स्लिट वाला पार्ट कट करते हो, तो प्लीज़ उसमें कभी भी किनारी वाला पोर्शन मत रखिएगा। हमेशा जो किनारी वाला पोर्शन है उसको आप निकाल दीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, आपका जो स्लिट है वो ऐसे सीधा रहने की बजाय, आपने कई बार देखा होगा ऐसे स्लिट नीचे से मुड़ा रहता है, थोड़ा सा उठा उठा रहता है। उसका रीज़न यही होता है कि हम किनारी नहीं निकालते हैं, सिर्फ इतनी सी किनारी होती है। अगर आप उसको निकाल देंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप उसको निकाल दोगे तो उसकी वजह से जो है वो कुर्ती में फिनिशिंग और उसका लुक बहुत ऑसम और परफेक्ट आता है। सो गाइज, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो नई नई वीडियोस कहाँ से मिलेंगे आपको। और दूसरी चीज़, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा फैब्रिक, मैंने अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड बैक साइड का पोर्शन अभी हमें निकालना है, बट इस पर कोई भी मार्किंग नहीं करनी है। सिर्फ जितना हमें विड्थ वाइज ये चाहिए और लेंथ वाइज जितना चाहिए उतना ही पीस हम यहाँ से निकाल लेंगे। उससे पहले हम अपने फैब्रिक को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ पर। अगर आपके पास ये एल शेप स्केल नहीं है तो मैंने इसमें दूसरा तरीका भी बताया हुआ है कि हम किस तरीके से अपने फैब्रिक को जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ के साथ आई बटन में भी इसे दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है अपनी वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग। मेरा वेस्ट मेजरमेंट का फोर्थ पार्ट जो है वो 9.5 आता है, जो कि रेडी पार्ट है, और उसके बीच में मैंने यहाँ पे 2 इंच ऐड कर लिया है। और यहाँ पे 2 इंच ऐड करने के बाद आधा इंच जो है वो ये साइड वाली किनारी है जो कि कटिंग में निकल जाएगी। अब हम यहाँ पे अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे। मुझे लेंथ चाहिए 42 इंचेस रेडी, और उसमें मैं 3 इंचेस जो है वो एक्स्ट्रा सीम अलाउंस ऐड करूँगी, क्योंकि हाफ इंच ऊपर सीम अलाउंस में चला जाएगा और बाकी जो नीचे रह जाएगा वो 2.5 इंच फोल्डिंग में चला जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एक्स्ट्रा जितना आप रखना चाहते हो आप उतना रख सकते हो। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग और हमारा बैक पीस निकल जाएगा। साइड स्लिट या सेंटर स्लिट कोई भी स्लिट बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने बैक पीस की कटिंग करते हैं, और बैक पीस की कटिंग करने के बाद हमें काफ़ी इजी रहता है इसमें इसको कट करना। और एक और चीज़ आप नोट कीजिए कि प्लीज़ जब भी आप कटिंग करेंगे तो उसमें कोई भी किनारी वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जो है आपका स्लिट जो है वो परफेक्ट नहीं आएगा। अब ये जो पीस बचा हुआ है साइड पे, इस पर हम छोटे वाला पीस निकाल लेंगे क्योंकि बड़े वाले पीस के लिए इसमें इतना फैब्रिक नहीं है। और यहाँ पर हम इस पर ये बॉर्डर जो है इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी, अभी इस बॉर्डर को मैं एक्स्ट्रा करके निकाल लूँगी क्योंकि इसमें भी किनारी है, तो किनारी को कट करना बहुत ज़रूरी है और इसकी फिनिशिंग नहीं आएगी अदरवाइज़। तो ये है सेंटर पार्ट। सेंटर पार्ट को एक बार मार्क कर लिया है मैंने, और यहाँ पे एक्स्ट्रा पीस को हम अलग कर देंगे। इसमें मुझे छोटा पीस निकालना है। अगर आप सेंटर स्लिट दे रहे हो तो जो सेंटर मार्किंग करी है वहीं से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के इसको आप फोल्ड कर सकते हो, बट मुझे नहीं चाहिए सेंटर, तो साइड के लिए 9.5 इंचेस, 3 इंचेस जो है मैंने इसको कम रखा है दूसरे वाले पार्ट से। और यहाँ पर जो मेरी मार्किंग है 9 इंचेस आ रही है, 9 इंचेस के बाद मैं इसे 1.5 इंच जो है वो और एक्स्ट्रा दे दूँगी, जो कि 10.5 इंच के अराउंड रहेगा। एक मार्किंग है मेरी 9 इंचेस पे और दूसरी मार्क है 10.5 इंच पे।
अब जो 10.5 वाली है उसको हम स्ट्रेट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ से निकाल देंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा यहाँ से ये निकल जाएगा। तो ये 9 इंच का फैब्रिक जो है एक साइड से मुझे चाहिए वो निकल गया है। अब इसका हम दूसरा पार्ट निकाल लेंगे। दूसरा पार्ट जो है वो हमारा सेंटर पार्ट से 3 इंच एक्स्ट्रा होगा। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा एक पार्ट है वो सेंटर पार्ट से 2.5 इंच कम होगा और जो दूसरा पार्ट है वो सेंटर पार्ट से 3 इंचेस ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी आधा इंच सीम अलाउंस में चला जाएगा हमारा, तो जो है वो 2 इंचेस इसमें 2.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा में रहेगा, जो कि हमारा साइड स्लिट एज ए साइड स्लिट हम उसको यूज़ करेंगे। तो सेम इसी तरीके से अपनी लेंथ वगैरह मार्किंग करने के बाद ये हमारी जो है यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। तो ये हमारे दोनों फ्रंट के पीस जो हैं वो निकल गए हैं। अब पहले इन पीस को हम स्टिच करेंगे, उसके बाद अपनी शर्ट की कटिंग करेंगे। एक आपको रफली व्यू देती हूँ कि हमें अगर आप इसको कोई बॉर्डर वगैरह या कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहते हो, थोड़ा कम रखना चाहते हो, तो सिंगल इसे इतना फोल्ड कीजिए और उसके बाद आप इस पर स्टिच कर दीजिए। आप यहाँ पर लूप बटन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे पार्ट पे जो हमने 1.5 इंच का मार्क किया था, हम उतना ही उसको फोल्ड कर लेंगे 1.5 का और उसको इस तरीके से ओवरलैप पोजीशन में रख देंगे। और इसको ओवरलैप पोजीशन में रखने के बाद हम यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे और फिर उसके बाद ये मार्किंग करने के बाद अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ हमें किस तरीके से करना है। ये हमारा छोटा पीस है जो कि 9 इंचेस था, हमने इसको मार्क किया है। अब हम इसे कर लेंगे फोल्ड यहाँ पर 1.5 इंच वाली जो मार्किंग है वो वाली, और इसको इस तरीके से रख के इसे हम स्टिच कर लेंगे। बट अगर आप सेंटर स्लिट नीचे से ओपन नहीं रखना चाहते हो, बिल्कुल नीचे तक आप इसको रखना चाहते हो, तब आप इसमें जो है वो 1.5 इंच की बजाय आप इसे सिर्फ आधा इंच रखिएगा और वो आधा इंच जो है वो आप अंदर की तरफ को फोल्ड कर दीजिएगा राइट हैंड साइड को, क्योंकि दूसरा पोर्शन जो है वो ओवरलैपिंग में बिल्कुल नीचे तक आएगा इसलिए। बट यहाँ पे हमें ओपनिंग देनी है तो इसको फिनिश करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको फोल्ड किया है। दूसरा जो पार्ट है, अगर आप यहाँ पर कोई भी बॉर्डर वगैरह या कोई लेस वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप इस तरीके से इसको फोल्ड कर दीजिए और इस पर सिलाई लगा दीजिए। बट मैं यहाँ पर जो बॉर्डर निकला था उसको यूज़ करूँगी, तो उस बॉर्डर को ये देखिए साइड पे इसका जितना पोर्शन है वो रहेगा, तो हमारी शर्ट की आ जाएगी रॉन्ग साइड और हमारे बॉर्डर की आ जाएगी राइट साइड। शर्ट का हमें रॉन्ग साइड रखना है और बॉर्डर का हमें राइट साइड रखना है, क्योंकि हमें इसको टर्न करना है राइट साइड की तरफ। इसको इस तरीके से हमें स्टिच करना है। तो ये देखिए एंड तक हमने स्टिच कर लिया है और यहाँ पे आप इसको जो एक्स्ट्रा है उसको आप कट कर सकते हैं। और यहाँ पे साइड पे किनारे पे मैं कोई भी सिलाई नहीं लगाऊंगी, मैंने इसको अच्छे से आयन कर लेना है। यहाँ पर आयन करने के बाद इसका साइड वाला पोर्शन जो है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको आयन कर लिया है और जो फोल्डिंग वाला पोर्शन था उसको भी हमने फोल्ड कर लिया है। आयन करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप आयन नहीं करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा झोल आने के चांसेस रहते हैं, बट अगर आप इसको अच्छे से फिनिशिंग देते हो, आयन करते हो, तो ये परफेक्ट फिट आता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई झोल नहीं आएगा, कोई सिलवट नहीं आएगी। और अगर आप बिगनर हो तो आप यहाँ पर पिंस लगा के इसको सेट कर सकते हो ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे, और नीचे वाला फैब्रिक को थोड़ा सा खींच के आप इसको स्टिच कीजिए ताकि ये जो है परफेक्ट फिट आ जाए। और इसके किनारे पे मैंने अभी सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि किनारे पे सिलाई बाद में लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इसे ओवरलैप करना है दूसरी
पीस पे। तो जितना आपको ओपन से ऊपर से ओपन रखनी है स्लिट, आप उतना इसको मार्क कर लीजिए और इसे आप ओपन रखिए। अभी तो फ़िलहाल इसको एक रफ़ स्टिच लगा दीजिए। यहाँ पर मैंने इसे 12 इंचेस तक जो है वो ओपन रखा है, और 12 इंचेस तक मैं इसे एक रफ़ स्टिच दूंगी क्योंकि बाद में वो स्टिच हमें निकालनी है। और उसके बाद जो है इसको बिल्कुल सीधा नीचे से मैंने 15 इंचेस रखा है, वहाँ तक इसे नॉर्मल स्टिच करना है और एक सिलाई अंदर की तरफ लगा देनी है। तो यहाँ से इसको हल्का सा ऐसे सिलाई लगाते हुए थोड़ी थोड़ी इसको लॉक कर देना है स्टिच को यहाँ पर, ताकि हमारा जो स्लिट है वो भी इजीली यहीं तक सेटल रहे। आप इस जगह पे कोई भी बटन, फैंसी बटन, डेकोरेटिव लूप्स या कुछ टेसल्स, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा कुर्ता जो है उसकी मैंने मार्किंग कर ली है डबल फोल्ड करके। जैसे हम फोर फोल्ड में अपने फैब्रिक को फोल्ड करते हैं, उस तरीके से फोल्ड करना है और अपनी मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग अपनी कंप्लीट करने के बाद बाकी सारा नॉर्मल है, जिस तरीके से हम अपना नॉर्मल कुर्ता स्टिच करते हैं वैसे। आप इसका नेक जो है अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हो, कोई बोट नेक या फिर वी शेप नेक, कोई भी नेक जो भी आपको चाहिए आप उस तरीके से इसकी कटिंग करके नेक को रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रखा है एक्सटेंडेड कॉलर वाला नेक। तो एक्सटेंडेड कॉलर के नेक की वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम डालूंगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है। तो हमें इसको सेंटर मार्क करते हुए अपने हिसाब से इसको मार्क करना है और इसको सेट करना है। सेंटर पॉइंट पे मार्क कर लीजिए, और मार्क करने के बाद क्योंकि मैंने ये 3 इंच जो है एक तरफ को एक्स्ट्रा रखा है, तो मैं एक्सटेंडेड कॉलर भी इसी तरीके से बनाऊंगी 3 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए। यहाँ पे मार्किंग करेंगे 3.25 की, जो कि हमारी विड्थ है, और लेंथ आएगी यहाँ पर 4 इंचेस, और यहाँ पर हम इसे राउंड शेप दे देंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरह के टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा ये वाला टूल यूज़ करती हूँ फॉर द मार्किंग, क्योंकि इससे जो शेप है और मार्किंग आती है बहुत ही अच्छी आती है। तो ये हमारे फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, बाकी आप इसको अपने नेक को फिनिश कीजिए तो ये परफेक्ट आएगा। सो ये है मेरी कुर्ती का फाइनल लुक, जो कि बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि मेरी बॉटम का जो कंट्रास्ट है वो थोड़ा फिरोजी कलर में है, तो मैंने इस तरीके से बटन दिए हैं। और ये मैंने एक्सटेंडेड कॉलर बनाया है यहाँ पर। एक्सटेंडेड कॉलर बनाने का तरीका जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे नीचे मैं इसके टिच बटन लगा दूँगी ताकि यहाँ से ओपन ना हो, और इतना जो हिस्सा है इसका ये टिच बटन से कवर हो जाएगा, अदरवाइज़ आप जो है इसमें हुक और आई का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए इसका लुक जो है वो बहुत ही एलिगेंट और प्रोफेशनल सा लुक है इसमें थोड़ा सा। और ये है इसका नीचे का स्लिट, जो कि बनने के बाद बिल्कुल इक्वल आया है, नीचे से कोई झोल नहीं है इसमें, कहीं भी ये खिंच नहीं रहा, कहीं उठ नहीं रहा। उसका रीज़न यही है कि इसमें जो है किनारी ना रखें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये है इसका फाइनल लुक, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो गाइज़, अगर आपको एक्सटेंडेड कॉलर का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।